Good morning, students. So today we will start depreciation in the chapter PGPP, right? मैंने आपको बताया था कि हम लोग टैक्स में डेप्रिसिएशन डिफरेंट तरीके से निकालते हैं. फर्दर टैक्स में हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम. मैंने आपको दिखाया था बेसिकली पीजीपीपी का जो कैलकुलेशन अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम एंड द ओल्ड टैक्स रिजाइम दोनों में सेम है, राइट? ओल्ड टैक्स रिजाइम में जिस तरीके से अपन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में भी वैसे ही है. हालांकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. सो डेप्रिसिएशन का बेसिकली सेक्शन है सेक्शन 32, राइट? सो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, क्लियर? सबसे पहले ऑन विच एसेट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड. सॉल्यूशन, एक्सेप्ट लैंड, ठीक है? अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में फर्क खाली एडिशनल डेप्रिसिएशन का है, राइट? चलिए, तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा? टैंजिबल एसेट पे लगेगा, इनटैंजिबल पे? गुडविल पे नहीं लगेगा, राइट? लैंड पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. ठीक है, क्लियर? नाउ यहां पे जो प्लांट है ना, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है. प्लांट का मीनिंग थोड़ा बड़ा है. प्लांट में शिप्स भी आएगा, बुक्स भी आएगा, व्हीकल भी आएगा, साइंटिफिक एपरेटस भी आएगा, राइट? टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग फर्नीचर नहीं आएगा, क्योंकि बिल्डिंग फर्नीचर का अलग से ग्रुप है. देखो, क्योंकि
क्योंकि अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी का रेट अलग अलग है. जैसे मोटर कार अगर होगा तो 15% प्लांट एंड मशीनरी है, शिप्स का शायद 30% है, बुक्स पे शायद 100% है. प्लांट एंड मशीनरी भी अलग अलग कैटेगरी है, सबका रेट अलग अलग है. तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा डेप्रिसिएशन किस पे देना है. तो सारा टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगा एक्सेप्ट लैंड, सारा इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगा एक्सेप्ट गुडविल. ठीक है. बिल्डिंग में रोड्स, ब्रिजेस, वेल्स, ट्यूबवेल्स आ जाएगा बिल्डिंग में. बिल्डिंग में ये सब कवर्ड होगा. क्लियर? नेक्स्ट. कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन. एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ऑब्लिक रेडी फॉर यूज. एसी लाके रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन नहीं होगा जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता. उसके बाद तुम चलाओ नहीं चलाओ अलग बात है. इंस्टॉल हो गया मतलब रेडी फॉर यूज. फायर एक्सटिंग्विशर, दीज आर स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ put to use for less than 180 days in the year of if put to use for less than 180 days in the year of acquisition, then depreciation allowance would be 50%. Only for the first year of acquisition. Example one. Example
asset purchased on 1st June 23. Asset purchase, बताओ फुल रेट मिलेगा कि हाफ रेट? क्योंकि मोर देन 180 हो रहा है ये, कुछ नहीं बोला है, मतलब जिस दिन खरीदा उसी दिन यूज में ले लिया। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 10 महीना एवरेज में 30 डेज, मतलब 300 दिन यूज किया इस साल 100%। फर्स्ट दिसंबर 23 को खरीदा है, दिसंबर जैन फेब मार्च 120 डेज रफली, खरीद लिया था मई में लेकिन यूज किया है दिसंबर में, तो भी 50%। डेट ऑफ परचेस से मतलब नहीं है, डेट ऑफ यूज से मतलब है। है ना, ये वाला बताओ। इस साल यूज ही नहीं किया, नो डेप्रिसिएशन इन द प्रीवियस ईयर 23-24, अगले साल यूज कर रहा हूं तो अगले साल के लिए 180 नहीं चेक होगा। अगले साल लेस देन 180 यूज कर रहा हूं, जिस साल खरीदा उस साल तो मैं यूज कर ही नहीं रहा हूं। देखो अगले साल दिसंबर में यूज हो रहा है ना, तो इस साल तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 डेप्रिसिएशन वुड बी 100%। अगले साल अगर एक दिन भी यूज करूंगा तो भी फर्स्ट ईयर खाली, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में क्या होता है बताओ तो? एक सेकेंड, व्हाट इज अकाउंट्स? एक सेकेंड, कॉस्ट इज 1 लाख,
rate is 15%. Right? So what is annual depreciation? April 23, March 24. अप्रैल में यूज करेंगे तो 15,000, फर्स्ट अक्टूबर का यूज किया 7,500, ग्यारह 250 है ना। तीन हजार 750, यहां डेप्रिसिएशन जीरो। तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है, वॉट एवर इज आवर डेप्रिसिएशन, जितना दिन यूज करेंगे उस हिसाब से टैक्स में क्या हो रहा है। What is tax? अच्छा, मार्च में 31, फरवरी 29, 24 लीप ईयर होता है, इसमें 31, दिसंबर 31, नवंबर 30, कितना हो गया ये? बैक कैलकुलेशन आ रहे हैं, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर, सिक्सटी, ये 152 डेज हो गया। तो और 28 दिन, मतलब 3 अक्टूबर अगर यूज करेंगे तो 180 एग्जैक्ट होगा, नहीं 4 अक्टूबर अगर यूज किया तो, 4 अक्टूबर यूज करने से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिन और 31। हाँ, इसमें अक्टूबर का अपने को 28 दिन बैक कैलकुलेशन करेंगे तो 31 से, तो 4 अक्टूबर में एग्जैक्ट 180 आ रहा है। इसका मतलब अप टू 4 अक्टूबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 और 28, हाँ ठीक है, अप टू 4 अक्टूबर कभी भी यूज करो 15,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, 100% अलाउंस। और फिफ्थ अक्टूबर ऑनवर्ड्स कभी भी यूज करो 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस।
एक दिन भी यूज करेगा तो 50%। पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो, 100% अलाउंस है कि 50%? ये डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है, ये अलाउंस है। ये डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है, अलाउंस के बारे में बात हो रहा है। डेप्रिसिएशन अलाउंस वुड बी 50%, अलाउंस 50%। मतलब टैक्स में या तो पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करो या आधा करो। कई बार अकाउंट्स में हम लोग सम किए, क्वेश्चन में बोल देता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन आधा क्लेम करना है, कभी भी खरीदा हो। अकाउंट्स में अगर सम में मेंशन नहीं है, या बहुत बार सम में यह भी बोल देता है कभी भी खरीदाओ फुल रेट क्लेम करो, कभी भी खरीदाओ पहला साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो ठीक है, नहीं स्पेसिफाइड है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा साल यूज किया पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। 9 महीना 9 महीना, 6 महीना 6 महीना, 3 महीना 3 महीना, लास्ट में खरीदा, नो डेप्रिसिएशन। टैक्स में वैसा नहीं है। 4th अक्टूबर यूज कर लिया मतलब 180 हो गया तो फुल रेट क्लेम करेंगे, 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस, 100%। तो जो भी डेप्रिसिएशन है पूरा मिलेगा। हाँ नहीं, जनरली बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीन ऐसा नहीं होता, पार्ट्स तुम कभी खरीदा, असेंबल करते करते टाइम लग गया। जैसे कंप्यूटर, तुम सीपीयू पार्ट्स खरीद करके बना सकता है, प्रोसेसर कहीं से ले लिया, मदरबोर्ड कहीं से ले लिया, ग्राफिक्स कार्ड कहीं से ले लिया, रैम कहीं से ले लिया, अब जनरली वो सेम डे असेंबल हो जाता है। एसी तुम खरीदा 24 तारीख को, लेकिन इंस्टॉल होते होते हो गया 30 तारीख, 6 दिन लग गया, होता है। तो अप टू 4th अक्टूबर मतलब 180 और मोर, तो नंबर ऑफ एक्चुअल यूसेज 180 और मोर होता ही फुल रेट, भले तुम एसेट यहां क्यों ना खरीदाओ, यहां खरीदाओ यहां खरीदो, उसे फर्क नहीं पड़ता, दो ही है, या तो फुल या हाफ। यहां पे 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस, फाइलिंग डेट का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर में अगर 180 से कम यूज हुआ है तो 50% लेना है डेप्रिसिएशन का, ऑब्वियसली। क्या डेट? हाँ, ये 4th अक्टूबर 5th अक्टूबर सबके लिए सेम है, क्योंकि ये लीप ईयर है। अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो डेट होता 3rd अक्टूबर एंड 4th अक्टूबर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस अकाउंट्स एंड टैक्स में, ये सबसे बड़ा समझने वाला बात है। अकाउंट्स में जितना दिन यूज करते हैं उस हिसाब से प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन देते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है यूसेज ऑफ टाइम के लिए, पासेज ऑफ टाइम के लिए, जितना दिन यूज किया उस हिसाब से डेप्रिसिएशन। बट टैक्स में कॉन्सेप्ट अलग है।
वो लोग इतना माथा नहीं लगा सकता, इस एसेट को तुमने 10 महीना यूज किया, इसको तुमने 5 महीना यूज किया, इसको सिंपल सा फंडा बोलते हैं 180। ये भी फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तो देखना ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगर एक दिन भी यूज किया तो 100% डेप्रिसिएशन। समझ गया? देखो इस एग्जाम्पल 4 में नेक्स्ट ईयर ये 180 डेज से कम यूज हो रहा है, क्योंकि दिसंबर 24 से मार्च 25 लगभग 120 डेज, लेकिन फिर भी अपने फुल रेट क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, पढ़े आगे नेक्स्ट। दूसरा कंडीशन क्या है? यह तो हमारा कंडीशन नंबर 1 था, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, राइट? मेरा अपना एसेट होना चाहिए। मतलब समझ लो, मैंने एसेट परचेस करके लेसी को दे दिया, तो मैं लेसर हुआ। डेप्रिसिएशन मैं क्लेम करूंगा। ये नहीं कर सकता, अकाउंट्स में क्या होता है, इसको डीम्ड डोनर माना जाता है। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की बात करूं तो, बट डेप्रिसिएशन मैं ही क्लेम करूंगा। तो दो कंडीशन है, यूज और ओनरशिप। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज, यहां पे वैसा नहीं होता। लेकिन जब एसेट अक्वायर हुआ है लेस देन 180 है तो 50% क्लेम कर सकते हैं, ओनली ईयर ऑफ एक्विजिशन, नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर।
जो बोला पढ़ाया अभी उसी को माफ करवा रहा हूं। डेप्रिसिएशन हमेशा फुल रेट होता है, एक दिन में यूज करेगा तो भी फुल रेट, लेकिन अगर ईयर ऑफ एक्विजिशन में लेस देन 180 डेज यूज हुआ है 50% डेप्रिसिएशन मिले। अगर डेप्रिसिएशन बिजनेस में भी यूज हो रहा है और कोई प्रोफेशन वगैरह में भी यूज हो रहा है तो प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे मान लो कोई मोटर कार है, उसको मैं बिजनेस में भी यूज कर रहा हूं और घर में भी यूज कर रहा हूं, होता है ना, बिजनेस का गाड़ी है घर में भी यूज हो रहा है, तो इन दैट केस प्रपोर्शनेट होगा, एक्चुअल प्रपोर्शनेट 40 60 50 50 जितना जैसा यूज हो रहा है। लेकिन अगर बिजनेस में यूज हो रहा है फुल रेट, खाली ईयर ऑफ एक्विजिशन में ऐसा होगा। डेप्रिसिएशन ओनर को मिलेगा, लेसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू लेसर नॉट लेसी। इसका डेट ऑफ परचेज ही रेडी फॉर यूज माना जाता है। स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब में सेटअप करने का कोई दरकार नहीं। जैसे जनरेटर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, मेरा अपना एसेट होना चाहिए। आई मस्ट बी द ओनर टू क्लेम डेप्रिसिएशन, एसेट मेरा होना चाहिए। अगर मैं भाड़े पे लिया हूं, मैं लेसी हूं, तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। लैंड मैंने लीज पे लिया, लेकिन बिल्डिंग मैंने अपना बनाया उस पे, तो बिल्डिंग मेरा अपना है, लैंड मेरा लीज का है, तो लैंड पे तो वैसे भी डेप्रिसिएशन होता नहीं है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। जो मेरा अपना नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन मैं नहीं क्लेम कर सकता। अब मान लो मैंने 99 इयर्स का लीज ले लिया, लेकिन उस पे मैंने फर्नीचर बनवाया, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उस पे मैं क्लेम कर सकता हूं। अगर बिल्डिंग मेरा अपना नहीं है, मैंने उस पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो उस पे मेरे को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है अपना होना चाहिए। लैंड लीज पे लेके बिल्डिंग बना लिया अपना, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का मिलेगा, लैंड का तो वैसे भी नहीं मिलता है। बिल्डिंग भाड़े पे लेके अंदर में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, उसका मिल जाएगा। अब कंप्यूटेशन का बात आएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था।
अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन 3 का, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस। अगर मैं पावर जनरेटिंग यूनिट में हूं पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग, तो इन दैट केस डेप्रिसिएशन SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स, कंप्यूट्स डेप्रिसिएशन ऑन एक्चुअल कॉस्ट दैट इज SLM ठीक है, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ WDV मेथड। अदर बिजनेस WDV मेथड, ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स, दिस इज समथिंग न्यू टू यू। ये आप लोगों ने सीखा है आप लोगों ने WDV मेथड भी सीखा है, बट ब्लॉक कॉन्सेप्ट आप अभी सीख रहे हैं। डेप्रिसिएशन would be provided on group of assets
but not on इंडिविजुअल एसेट्स। यहां पे डेप्रिसिएशन ग्रुप ऑफ एसेट्स पे दिया जाएगा, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं। ठीक है, नाउ ग्रुप भी जो बनेगा ना, वो कैसे बनेगा मैं तुमको बताता हूं। नेचर एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नेचर एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी सेम। नेचर और रेट को सेम रहना पड़ेगा। सर पावर जनरेटिंग यूनिट का डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे आएगा, नंबर वन। ये लोग चाहे तो ये लोग डब्ल्यूडीबी फॉलो कर सकता है, ये वाला डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी मतलब ब्लॉक ग्रुप। अकाउंट्स में जैसे M1, M2, M3, M4, M4 होता था, वैसे नहीं। तो पावर जनरेटिंग हमेशा एसएलएम बेसिस फॉलो करेगा। अगर इनको डब्ल्यूडीबी फॉलो करना है तो रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले इनको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंड वंस दे एक्सरसाइज द ऑप्शन, आने वाले सालों के लिए इनके लिए डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो होगा। इज इट फाइन एवरीवन? तो ये जितना बार भी ऑप्टिंग का बात आता है ना, ऑप्ट ऑप्ट कि ऑप्ट कर सकता है ये लोग बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट। ठीक है, एंड विल अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। इज इट फाइन? अदर बिजनेस या पावर जनरेटिंग जो ऑप्ट आउट कर चुका है, वो लोग डब्ल्यूडीबी फॉलो करेगा? डब्ल्यूडीबी ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ग्रुप ऑफ एसेट्स, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं। तो ग्रुप कैसे बनाना है सर? ग्रुप नेचर और रेट सेम होना चाहिए। नेचर और रेट सेम होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। तो ये समझ में आया पावर जनरेटिंग का? बाकी ब्लॉक देखिए। ब्लॉक बिल्डिंग का अलग ब्लॉक बनेगा, मशीनरी का अलग बनेगा, प्लांट का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा। सेम परसेंटेज होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग में दो रेट है, 5% भी है, 10% भी है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 5% है, कमर्शियल बिल्डिंग का 10% है, तो दो ब्लॉक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी में भी 15% वाला भी है, 20 भी है, 25 भी है, 35 भी है, 100 भी है। तो सब प्लांट में ही है, लेकिन सबका रेट अलग अलग है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रेट दिखाता हूं, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
ये देखिए, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 5 है, नॉन रेसिडेंशियल का 10 है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एसएससी हैज 10 बिल्डिंग्स आउट ऑफ विच 4 आर रेसिडेंशियल, तो कितना ब्लॉक बनेगा? ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 है ना, 4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेट 5%, 6, रेट 10%, समझ गया ना? वाटर ट्रीटमेंट में अगर कोई बिल्डिंग, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए कोई बिल्डिंग अक्वायर हुआ है, तो उसके लिए रेट 40% है, क्योंकि वहां पे डैम्पनेस वगैरह का चांस ज्यादा है। जैसे वाटर टैंक बनता है ना, उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर का डेप्रिसिएशन 40% है। तो बिल्डिंग में लोग 4 सेक्शन बनाए, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, वाटर टैंक वाला बिल्डिंग। किसका लाइफ 2 साल है? इसमें तो लाइफ नहीं है ना, तुम्हारा जैसे वाटर टैंक मैंने बनाया, राइट, बिल्डिंग अक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, राइट, तो उसमें क्या होता है, उसमें वियर एंड टीयर ज्यादा है। हाँ, तो जो 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 लॉ में लिखा अपन को वही करना है, हायर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है, उसका भी 40% है। फर्नीचर अलग ब्लॉक हो गया, नेचर अलग है, उसका 10%। ठीक है, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देन ऑफ हायर, मतलब रनिंग देन ऑफ हायर नहीं है, भाड़ा वाला नहीं है, नॉर्मल गाड़ी बिजनेस में यूज हो रहा है। मैं गाड़ी खरीद के भाड़े पे दे रहा हूं तो बात अलग है। तो ऐसे अलग अलग डेट्स हैं, जैसे इसको खरीदा गया हो, इसके बीच में, इस दौरान खरीदा गया है, भाड़ा वाला मोटर कार का बात नहीं हो रहा है, जो भाड़ा पे नहीं है।
तो 30% लगेगा, मैंने कब खरीदा आपने उससे भी डिपेंड कर रहा है। इस दौरान अगर कोई चीज खरीदा है तो उसके लिए 30% है। बाकी कभी भी खरीदा हो 15% रेट लगेगा। अब भाड़े वाले का बोल रहा है, भाड़ा वाला अगर इस दौरान खरीदा है तो 45%, भाड़ा वाला अगर और कोई टाइम पे खरीदा है तो 30%। मोल्ड यूज होता है रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री में 30%, एरोप्लेन्स का 40%, सब ये रेट प्रेस्क्राइब्ड है। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको बगल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोल देगा। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सब का 40%। आईसीज यूनिट पे 30%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब प्लांट के अंदर में ही है, बट रेट अलग अलग है, सबका अलग अलग ब्लॉक बनेगा। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग है उसका भी 40%, उसका मशीनरी का भी 40%। एनर्जी सेविंग डिवाइस 40%। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुक्स का 40%, प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट 15%, कुछ नहीं बोला तो। ओशन गोइंग शिप का 20, स्पीड बोट वगैरह का 20 और इंटेंजिबल एसेट्स का 25%। ठीक है, इज इट फाइन? यह हर साल गवर्नमेंट चेंज करता रहता है रेट, बट जनरली सेम रहता है। जैसे बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह का काफी साल से सेम है, बीच में उस टाइम पीरियड के लिए अनाउंस किया था, राइट वो चेंज किया था थोड़ा सा रेट। जैसे वो भाड़ा का गाड़ी था 45%, वैसे करके तो मेरा 45% डेप्रिसिएशन के ऊपर लगेगा, तो 2-4 साल में तो मेरा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, उससे क्या लेना देना है। डेप्रिसिएशन अलग चीज है, तुम उसे कमा कितना साल रहा उससे क्या फर्क पड़ता है। आज गाड़ी 15 साल चलता है, 15 साल तक तुम उसको रोड पे चला सकता है, उसके बाद उसको स्क्रैप करना पड़ेगा एज पर मोटर व्हीकल लॉ। ये फर्नीचर 12 साल हो गया है, बुक्स में इसका वैल्यू 0 हो गया है। हमारा इंस्टीट्यूट 14 साल पुराना है, अगर 10% भी रेट माने तो 10 साल में तो एसेट खत्म, बट यूज हो रहा है ना, कैसे क्लेम करेगा भाई। जब वैल्यू 0 हो जाने के बाद डेप्रिसिएशन नहीं होता, डेप्रिसिएशन तुम तभी क्लेम कर सकता अगर तुम्हारा वैल्यू है। जैसे मान लो मैंने अभी यहां पे बताया कि SLM पे डेप्रिसिएशन होगा 20%, तो पहला साल 20% हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 20, 5 साल में 0 हो गया। 6th ईयर से तुम एसेट यूज कर रहा बट उसका वैल्यू तो 0 हो गया ना, तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सा बात है, एसेट का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकता।
जो भी आप डेप्रिसिएशन देंगे दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू. वैल्यू से ज्यादा तो डेप्रिसिएशन दे भी नहीं सकता, ये तो कॉमन सा बात है. वो अलग चीज हो गया, वो तो होता ही है, तभी तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स हम लोग एडबैक करते हैं और एज पर आईटी रूल लेस कर रहे हैं. बट टैक्स का जो कैलकुलेशन है, अकाउंट्स का जो कैलकुलेशन है, दोनों का कैलकुलेशन प्रोसेस में कम बेसी है, लेकिन अल्टीमेटली कॉस्ट से ज्यादा तो डेप्रिसिएशन हो नहीं सकता. कहां से करोगे कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन, समझाओ हमको. अरे तो हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम कहां है तुमको, प्रॉब्लम क्या. और एसेट का वैल्यू जीरो हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी दैट. नहीं, हम भी तुमको पूछ रहा है उससे क्या प्रॉब्लम है. एसेट का वैल्यू जीरो हो गया, एसेट खत्म तो नहीं हो गया, अगर खत्म भी हो गया तो नया लेंगे. एसेट का वैल्यू और उसका यूज, उसका लाइफ, उसे कोई लेना देना नहीं है. ये जो सरकार जो डेप्रिसिएशन रेट निकाली है, कुछ सोच के निकाली होगी कि भैया इस एसेट का इतना ही लाइफ होता है, इस एसेट का इतना ही लाइफ होता है. तुम्हारा अच्छा बात है, तुम्हारे लिए ज्यादा साल चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है. डेप्रिसिएशन तुमको नहीं मिलेगा, बट ऐसे तो तुम यूज कर ही सकता है ना. और WDP मेथड में हम तुमको बताते हैं कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू का तुम अगेन 45 कर रहा है, अगेन रिटर्न डाउन वैल्यू का अगेन, हालांकि ऑलमोस्ट लो अमाउंट आ जाएगा बट जीरो तो नहीं होगा ना. हमेशा याद रखो, ये एकदम कॉमन सा बात है, नोट. डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट अबलू WDV ऑफ द एसेट. डेप्रिसिएशन के कारण एसेट का वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगा. सरकार, तुम तो ये बात बोल रहा है सरकार 100% डेप्रिसिएशन दे देगी कुछ कुछ केस में, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा. पहला साल में ही इनकम टैक्स कोई भी चीज को, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को प्रमोट करना रहेगा ना, गवर्नमेंट तुमको ज्यादा बेनिफिट दे देगी इनिशियल ईयर में ही. मैं तुमको दिखाऊंगा, इफ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है ना, गवर्नमेंट बोलेगी 100% डेप्रिसिएशन आप पहला साल ले लीजिए, 100% ले लीजिए, तो वैल्यू तो जीरो हो गया. तो क्या एसेट यूज नहीं कर रहे हैं, यूज अलग चीज हो गया, वैल्यू अलग चीज हो गया, अकाउंट्स में वैल्यू अलग तरीके से आती है. बट जनरली जो एसेट का टेंटेटिव यूजफुल लाइफ होता है उसी हिसाब से यह रेट निकाला गया है. किसी एसेट का लाइफ रेट 25% है, इसका मतलब उसका यूजफुल लाइफ 4 है, तभी 25% निकाला गया है. किसी का 20 है, इसका मतलब उसका यूजफुल लाइफ 5 साल है. वैल्यू हैज गॉट नथिंग टू डू. बट हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा कॉस्ट 1,00,000 है, तुम डेप्रिसिएशन दे दिया, 1,00,000 तक ही तुम डेप्रिसिएशन दे सकता, उससे ज्यादा नहीं दे सकता. जो तुम्हारा WDV है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता. समझ गया मेरा बात. ये हमेशा ये बात याद रखना, चाहे अकाउंट्स करो चाहे टैक्स करो, ये बात हमेशा सही होनी चाहिए. अब ये जो हमने बात किया ना, ये जो हमने आपको चार्ट दिया है, ये चार्ट जो है ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन का है. अब अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में हूं,
तो मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में हूं तो मैं क्या कम कर सकता हूं? ओनली SSE who has opt out of new tax regime can claim additional depreciation। ये बात हमेशा याद रखना, नया टैक्स रिजाइम वाले को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किस केस में एडिशनल डेप्रिस, अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, हर साल नहीं मिलता है। ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो आप तो तुम देखो तुम्हारे हिसाब से तो 50-60% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा मैं इस साल, अगला साल पूरा जीरो हो जाएगा, बट एसेट तो यूज कर रहे हैं ना। जो लोग नया रिजाइम से ऑप्ट आउट किया है वो क्लेम कर सकता है, और खाली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन क्लेम होगा। क्या रेट आइए देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी पे खाली। राइट, वो भी नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे उसी पे। ट्वेंटी%, और अगर लेस देन 180 है तो 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत सारा एसेट लेस देन 180 यूज होता है फर्स्ट ईयर में, तो 10% हो जाएगा रेट, एडिशनल का भी आधा हो जाएगा। जैसे नॉर्मल वाला 150, वैसे एडिशनल भी आधा हो जाएगा। राइट, ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट भी प्लांट में ही आता है, बस इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, पक्का बोलो। शिफ्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजाइम, मैंने ऑप्ट आउट किया है, नया प्लांट एंड मशीनरी, नाउ SSE
must be engaged in manufacture or production of any article or thing or पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स, इन्हीं लोगों को मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। मतलब अगर कोई रिटेल बिजनेस में है, राइट, कोई लॉजिस्टिक का बिजनेस में है, कोई आदमी सर्विस इंडस्ट्री में है, वो लोग को अपना एसेट, जैसे हमारे लिए ये प्रोजेक्टर प्लांट एंड मशीनरी है, ये कैमरा हमारे लिए प्लांट है, ये कंप्यूटर भी हमारे लिए प्लांट है, बट हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम लोग सर्विस सेक्टर में है, तो हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। वही लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है जो लोग मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कर रहा है या पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है। हाँ, रेट 20%। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेस देन 180 हुआ तो क्या होगा, 20 के हिसाब से नहीं मिलेगा, तब आधा 50% मतलब 10% मिलेगा। लेकिन मिलना चाहिए था 20, क्योंकि तुमने लेस देन 180 यूज किया, तो वो जो लेस देन 180 का जो बैलेंस 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो तुम अगले साल क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगले साल भी तुमको ओल्ड रिजाइम में आना पड़ेगा।
बोलो। कैसे दे देगा एक बार में? नहीं, कैसे दे देगा? तुम अगला साल अगर बेच दिया तो एसेट को, तुम अगर अगला साल बेच दिया एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करके, लोग ऐसा करता है कि बेनिफिट ज्यादा ले लिया और फिर डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया, फिर एसेट को बेच देगा, फिर अगले साल वापस खरीद लेगा। तुम जानता नहीं है लोगों को। इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, देन ओनली 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन द सक्सेडिंग ईयर प्रोवाइडेड द एसएससी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। मतलब नेक्स्ट ईयर ऑल्सो उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? कौन कौन से केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कौन कौन सा प्लांट के केस में, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि विच प्लांट केसेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ओंट बी अलाउड, कौन कौन से केसेस में। ये सब एसेट का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये सब प्लांट एंड मशीनरी है बट नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड होगा तो नहीं होगा, मतलब पहले कोई और यूज कर चुका है। ऐसा प्लांट जो तुम ऑफिस प्रेमाइसेस, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, मतलब एसी इन रेसिडेंशियल हाउस, एसी इन ऑफिस प्रेमाइसेस, एसी इन गेस्ट हाउस, एसी भी तो प्लांट एंड मशीनरी है ना। ऑफिस में जो कंप्यूटर है उसका भी तुम नहीं ले सकता, मोटर कार, इस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। हंड्रेड परसेंट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम्ड, इन अर्लियर ईयर, हर साल एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं बोला ना, खाली फर्स्ट ईयर ही कर सकते हो। हाँ, डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है पुराने सालों में तो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वही तो लिखा है, सब्सिक्वेंट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाँ वही लिखा है, एनी प्लांट एंड मशीनरी होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। सर तुमने पहला साल एसेट खरीदा, सरकार बोली 50% क्लेम कर लो, भूल जाओ। कई बार सरकार कुछ कुछ स्पेशल डिडक्शंस देती है, डेप्रिसिएशन भूल जाओ, बोला तुमने ये काम किया, इतना खर्चा किया, 50% अलाउड। जनरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो 100% उसका डिडक्शन मिलता है पीएल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन कई बार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी स्पेशल डिडक्शन देती है। मान लो मैं कोई अंडर डेवलप्ड एरिया में काम कर रहा हूं, अंडर डेवलप्ड एरिया में मैंने फैक्ट्री लगाया है, कितना हिम्मत वाला काम किया है, तो सरकार मेरे को बोलेगी कि आपको मैं स्पेशल डिडक्शन दे रहा हूं, मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा हूं,
तो वहां पे मैंने 50 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी लगाया, कौन लगाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अंडर डेवलप्ड एरिया में? तो अगर मैं ऐसा जगह फैक्ट्री बैठा रहा हूं तो मेरा खर्चा जो भी लगेगा, डेप्रिसिएशन तो छोड़ो, मैं तुमको स्पेशल डिडक्शन दे रहा हूं। तो ऐसा कोई एसेट जिसपे तुमने कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया है या डेप्रिसिएशन पहले क्लेम कर लिया है, उसका भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी और इज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग पीजीबीपी ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली फर्स्ट ईयर ही है, उसके बाद नहीं है, सब्सिक्वेंट ईयर में नहीं है। या अगर तुम 100% कहीं क्लेम कर चुका है, जैसे मैंने बोला ना सरकार स्पेशल डिडक्शन दे रही है मेरे को कि पटवारी जी आपने 50 करोड़ का प्लांट लगाया, 50 करोड़ का आपको डिडक्शन, 50 करोड़ अलाउएबल। सर ये तो एसेट है, आप तो थोड़ा थोड़ा अलाउ करते हैं। बोले नहीं, आपके लिए 50 करोड़ पूरा अलाउएबल। कई बार ऐसा होता है कि मैंने एसेट खरीदा, एसेट खरीदा है 50 करोड़ का, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हर साल 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, मैं कौन हूं, मैंने फैक्ट्री कहां लगाया है, अर्बन रूरल एरिया में लगाया, गांव में लगाया है। सरकार मेरे को क्या बोल रही है, बोले पटवारी जी क्लेम 50 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर। तो जब मैंने 50% ऑल पूरा 50 करोड़ क्लेम कर लिया है, कोई WDP बचा, तो डेप्रिसिएशन फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन कहां से माइनस करोगे? कॉस्ट 50 करोड़, डेप्रिसिएशन 50 करोड़, व्हाट इज द WDP? फ्रॉम वेयर यू विल गिव एडिशनल डेप्रिसिएशन? है जगह है एडिशनल डेप्रिसिएशन देने का? इतना देर से क्या बोल रहा हूं मैं, अरे बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट आपको। किस तरह का बेनिफिट हुआ, मतलब अगर नॉर्मल भी है तो मेरे को तो 50 करोड़ का जो है ये मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। अगर आपको पहला साल ज्यादा डिडक्शन मिल रहा है तो आपको टैक्स कम नहीं देना पड़ेगा? तो यही, अरे बात घूम के वही है, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट दे रही है। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप लगाएंगे फैक्ट्री, पहले बताइए, विल यू पुट अप अ फैक्ट्री इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अंडर डेवलप्ड एरिया में आप फैक्ट्री लगाएंगे तो सरकार दे रही है आपको बेनिफिट। सरकार बेनिफिट क्या, सरकार तो सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी में समझता हूँ, टैक्स का बेनिफिट देती है सरकार, अब क्यों देती है तो गवर्नमेंट को जाके पूछना पड़ेगा। कैसे नहीं फायदा हुआ, आज आपका पहला साल में जो भी प्रॉफिट आएगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स कम नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं टैक्स कम, इसीलिए सरकार बेनिफिट दे रही है। बात आपका मैं समझ गया कि आज थोड़ा थोड़ा करके बेनिफिट ले लो चाहे एक बार में ले लो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपने पहला साल कमाया उसमें टैक्स दे दिया, बट पहला साल तो टैक्स आपका कम लग रहा है, टैक्स कम लग रहा है मतलब आपका कैश फ्लो ज्यादा होगा, आप उसको ज्यादा री इन्वेस्ट करके ज्यादा बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अगर आप 100 रुपए कमाएंगे, सरकार उसमें से 30 ले लेगी आपसे, तो आप री इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, 70 करोड़। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, आपने 100 करोड़ कमाया उसमें से सरकार आपको 50 करोड़ का बेनिफिट दे दे रही है, तो आप टैक्स 50 करोड़ पे दे रहे हैं ना। तो सरकार ये सब बेनिफिट देती है कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए।
आज मैंने एक एसेट खरीदा है 100 रुपए में। जिस तरीके से हर आदमी जन्म लेता है इस धरती पे, एक ना एक दिन उसको जाना ही है, वैसे ही एक एसेट भी होता है। ये सब अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। आज अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग 100% प्रॉफिट से माइनस करते हैं, इसका 100% डिडक्शन मिलता है आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा थोड़ा डिडक्शन मिलता है। तो वही डिडक्शन गवर्नमेंट आपको 100% एक बार में दे रही है, तो आई विल कंसिडर एज अ बेनिफिट इन द इनिशियल ईयर। इनिशियल ईयर में मैं ऐसे स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मेरा जो भी प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, सरकार टैक्स की छुट्टी पे भेज देती है 10 साल के लिए। ये तो मैं आपको इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउंस दे रहा हूं, आगे जाके सरकार आपसे उसका भुगतान कर लेगी, क्योंकि आज आप अगर पूरा 100% क्लेम कर लेंगे तो यहां पे आपका डेप्रिसिएशन 0-0, सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप पेइंग हाई टैक्स, दैट इज ओके। अरे वो तो समझ में ही आ रहा है ना, वो तो कैलकुलेशन से समझ में आ रहा है, बट इनिशियल ईयर में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, इनिशियल ईयर में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और आप अंडर डेवलप्ड एरिया में काम भी करिए तो आप नहीं करिएगा, यू वोंट वर्क। तो बेनिफिट थोड़ा थोड़ा दे चाहे एक बार में दे, अल्टीमेटली बात एक ही है, बट आपको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, इसको बेनिफिट ही बोलेंगे। बिकॉज इनिशियल ईयर में मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड में सरकार मेरे को सपोर्ट कर रही है। इनिशियल ईयर में आपको मालूम है लॉस होगा आपको, यहां पे यहां आपको लॉस होगा। तो ये जो भी डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पा रहे ड्यू टू लॉस, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अगला साल का प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। फिर भी बच जाएगा तो और आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, बट ये आपके करिकुलम में अभी नहीं है। आज मान लो मैंने इस साल 20 करोड़ ही कमाया, सरकार मेरे को 50 करोड़ का डिडक्शन दे रही है, तो 30 करोड़ का लॉस है। दिस आई विल कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मैंने 25 करोड़ कमाया तो 30 करोड़ लॉस सेट ऑफ करूंगा, अभी भी 5 करोड़ लॉस बच गया। अगले साल मैंने वापस से 25 करोड़ कमाया, उसमें से बचा हुआ 5 करोड़ का लॉस सेट ऑफ करके अब मैं थर्ड ईयर से टैक्स दूंगा। वही अगर आपको सरकार ये 50 करोड़ का बेनिफिट नहीं देती, मैं आपके हिसाब से चलूं 10-10 करोड़ का बेनिफिट देती तो क्या होता, हर साल मेरा टैक्स लग रहा होता, तो बेनिफिट तो हुआ ना। ऐसा टैक्स जो आज नहीं देना पड़ रहा है 3 साल बाद देना पड़ रहा है, फायदा बोलूंगा मैं तो उसको। यही चीज अगर मैं करूं 20 करोड़ में पहला साल 10 करोड़ तो 10 करोड़ पे टैक्स लगा, अगला साल 25 में से वापस से 10 करोड़ माइनस तो 15 करोड़ पे लगा, तो हर साल ही टैक्स दे रहा हूं ना मैं। बट यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, पहला 2-3 साल मेरा टैक्स फ्री चला जा रहा है, खाली कंप्यूटेशन का फेर और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर का बात नहीं, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा जब अकाउंट्स करते हैं ना हम लोग, उसमें एक चैप्टर होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा 100% क्लेम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा क्लेम करते हैं, बट टैक्स क्या करती है, आपको 100% बेनिफिट, ये सबको नहीं मिलेगा। जो लोग मैन्युफैक्चर में हैं, राइट, अभी मैंने दिखाया जैसे मैन्युफैक्चर वाला को नॉर्मल 15% भी मिल रहा है प्लस एडिशनल 20। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल रेट क्या है, अगर वो मोटर कार वो सब नहीं है तो नॉर्मल रेट 15% प्लस एडिशनल
20%। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा हूं, अंडर डेवलप्ड एरिया में काम कर रहा हूं, या कोई साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहा हूं, तो सरकार मेरे को 100% डिडक्शन देगी, क्योंकि इसमें सक्सेस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ज्यादा बेनिफिट दे रही है सरकार मेरे को, मतलब अभी टैक्स कम देना, अभी मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, इनिशियल ईयर चल रहा है। जैसे लोग अगर नॉर्मल मैन्युफैक्चर करेंगे तो 15 और 20, 35% डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर में, 15 नॉर्मल प्लस 20 ये। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं, 100% डेप्रिसिएशन देगी सरकार मेरे को फर्स्ट ईयर में। तो इससे तो मेरे को फायदा हो रहा है ना, मेरा टैक्स फ्लो कम जाएगा और लॉस आएगा तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं आगे, फ्यूचर प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करूंगा। सो अल्टीमेटली आई विल फाइंड दैट इनिशियल 2-3 years आई कैन इजीली एस्केप टैक्स लाइबिलिटी। यही अगर तुमको मैं बोलता 20 करोड़ में 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है उस पर तुम टैक्स दो, तो तुम्हारा कैश फ्लो कम हो जाता, तुम री इन्वेस्टमेंट कम करते, ग्रोथ कम होता। तो जिस एरिया का डेवलपमेंट आज प्रॉफिट को अपन प्लाउ बैक करते, 30% इनकम टैक्स है, प्रॉफिट का अगर 30% सरकार ले लेगी तो अगले साल 70% ही री इन्वेस्ट हुआ। लेकिन वहीं पे अगर सरकार बोलती नहीं इस साल टैक्स मत दो, बाद में लूंगा, तो 100% री इन्वेस्ट हो रहा है। तो ग्रोथ तो पैसा से ही होता है ना, पैसा से पैसा बनता है। सरकार को ये चीज मालूम है। आज नहीं तो कल वो जो कमाएगी उसमें से टोटल अलाउंस माइनस करूंगा, मेरा टैक्स उतना ही आएगा। तो एक तरीके से उसके लिए मैं टैक्स उसका डेफर कर रहा हूं, उसके लिए टैक्स मैं डेफर कर रहा हूं। सो अल्टीमेटली आई नो जो टैक्स मेरे को आज मिलना चाहिए वो टैक्स मेरे को 2-3 साल बाद मिल रहा है। सरकार को मालूम है, बट सरकार को यह भी मालूम है इस बंजर जमीन से, इस जगह से मेरे को पहले कोई आमदनी नहीं थी, इस जगह से मेरे को कोई टैक्स नहीं आता था। आज यहां पे एक लगाया फैक्ट्री, एरिया डेवलप हो गया, यहां पे और फैक्ट्रीज आएंगी तो ये एरिया से भी मेरे को अब रेवेन्यू आने लगेगा। जो लोग प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में है उन लोग को भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जिस साल मैंने एसेट बेच दिया राइट, जैसे अगर मैं पावर जनरेटिंग यूनिट की बात करूं, मैंने 1000 में एसेट लिया तो डेप्रिसिएशन कितना, 20% के हिसाब से 200 बचा 800। नहीं, अगले साल भी डेप्रिसिएशन 200, क्योंकि पावर जनरेटिंग में कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन होता है, बचा 600। आया ना? अब मैंने इसको इस बार 400 में बेच दिया या 450 में इसको सेल कर दिया, तो ये 150 को टीडी बोला जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। हाँ,
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इसको नहीं बोलेंगे, इसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कहां प्रॉफिट हो गया, तुम क्या देखते हो भैया? ये WDV है, डेप्रिसिएशन SLM पे कैलकुलेटर है, बट ये है तो रिटर्न डाउन वैल्यू। 600 का माल 450 में बेचा, ठीक है, तो 150 तुम्हारा डेप्रिसिएशन माना जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अल्टीमेटली PL में ही आना है, लेकिन लॉस बोलने से कैपिटल गेन में चला जाएगा, हेड चेंज हो जाएगा। अकाउंटिंग के हिसाब से दोनों सेम चीज है, लॉस बोलो चाहे डेप्रिसिएशन बोलो, दोनों ही PL में आता है, पर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट अलग अलग हेड में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन बोलने से PGBP में आएगा, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोलने से कैपिटल गेन, हेड चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, पावर जनरेटिंग का खाली बोल रहा हूं, ओनली पावर जनरेटिंग यूनिट का, वो भी इसको ऐसा नहीं है कि आप एसेट को बुक्स में दिखाएंगे, यू हैव टू डिस्कार्ड द एसेट, बुक्स में वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी जीरो। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन वन। पहला बात तो मैं मैन्युफैक्चर बिजनेस में हूं, इसका मतलब मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ओनली इफ आई एम फॉलोइंग। तो यहां पे क्या बोला है, डिफॉल्ट वाला से मैं ऑप्ट आउट कर लिया हूं, तो ये कौन सा आई है, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में हाया ना, एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। आया ना, अच्छा पहला बात तो देखो, प्लांट है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया ना, और ये नया प्लांट खरीदा है, कंप्यूटर, इसका सेपरेट ब्लॉक होगा क्योंकि दोनों प्लांट ही है। ये 15%, इसका कितना है, 40%,
रेट अलग होने से दो अलग अलग ब्लॉक हो गया। ठीक है हाँ, ये वाला जो पार्ट है इस पे 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ ठीक है, ओपनिंग वाला पे 100% है ही, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 100%, एडिशन में फुल रेट हाफ रेट, और कंप्यूटर वाला जनवरी 24 में खरीदा है इस पे भी हाफ रेट। ठीक है अब यहां पे ना डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अपन को फॉलो करना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का एक फॉर्मेट है, ब्लॉक वन, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग WDP, ये फॉर्मेट फिक्स है। अकाउंट्स में क्या होता था, पहले अगर सेल है तो सेल माइनस करते थे, उसके बाद परचेज रहता था तो परचेज फिर बाद में ऐड होता था, बट यहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ परचेज एंड सेल, पहले एडिशन होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो WDB कितना है बताओ, 30 लाख। एड एडिशंस, तो पहले एडिशंस होगा, एक है 8/6/23 वाला और एक है 15 दिसंबर 23 वाला। बीस लाख 8 लाख, तो ये हो गया 58 लाख लेस सेल प्रोसीड्स है। नहीं, हो सकता है पुराना कोई एसेट डिका हो, हाई प्रोबेबिलिटी। नहीं, नॉर्मल एसेट भी बेच सकते, वो तो मैंने पावर जनरेटिंग का ट्रीटमेंट बताया आपको। नॉर्मल एसेट बेचोगे तो कैपिटल लॉस माना जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। पावर जनरेटिंग में लॉस आएगा तो डेप्रिसिएशन माना जाएगा वो। इसको बोलेंगे क्लोजिंग WDB बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसमें से लेस करेंगे करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग WDB आ जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा हो सकता है सेल अप्रैल में हो गया हो, फिर भी अपन पहले एडिशन करेंगे उसके बाद सेल प्रोसीड्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखा देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो डेप्रिसिएशन में भी पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बात करेंगे। ना नॉर्मल डेप्रिसिएशन में हम लोग करते क्या, ध्यान से सुनना, उतना माथा फोड़ी नहीं है। ये जो भी बैलेंस आया, अच्छा इसमें कंप्यूटर ऐड नहीं हो क्योंकि वो ब्लॉक टू में आएगा। ये जो भी डेप्रिसिएशन आया अपन को मालूम है, इस पे 100 है, इस पे 100 है, इस पे 50 है, तो इसमें से खाली 50% वाला खोजो, बाकी पे पूरा 100 लगा देंगे। तो 58 लाख पे 8 लाख ऐसा है जिसका 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस होगा। बैलेंस पे पूरा 100%, मतलब ऑन ₹8 लाख एट द रेट 7.5%, 15 का आधा, बाकी जो बचा 50 लाख उसका 15%, ₹60,000, 7.5 लाख, ठीक है। पहले हाफ रेट वाला खोजो जिसपे 50% अलाउंस मिलेगा और इसपे 100% अलाउंस, पूरा फुल रेट लग जाएगा। यहां एडिशनल डेप्रिसिएशन 20, यहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 10, इस पे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल, पुराना एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, खाली जो खरीदा ड्यूरिंग द ईयर उसी पे मिलेगा। क्या चीज? कॉस्ट पे, ये जो है इसी पे ना मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। नहीं, कॉस्ट पे 20% ऑफ द कॉस्ट लिखा है। नॉर्मल वाला माइनस नहीं करना, तुम्हारा बात हम समझ गया, 20% ऑफ द कॉस्ट। तो ऑन ₹20 लाख 20% होगा 4 लाख, और 8 लाख वाला पे 10%, 80, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया।
तो यहां मैं लेस करूंगा 12,90,000, तो अगला साल का बैलेंस कितना आएगा बताना। ये देखो 12,90,000 आ गया। ठीक है, ब्लॉक टू कंप्यूटर्स रेट 40। ओपनिंग WDV nil एड 2024 कितना कितना का एसेट है? 3 लाख, टोटल 3 लाख। लेस सेल प्रोसीड्स नील, क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट? इस पे 50% मतलब हाफ रेट। इसका अलग से नोट बनाने का दरकार नहीं है, सीधा 3 लाख का 20%, 60,000। यहां पे ओपनिंग WDV वगैरह कुछ है ही नहीं, तो सो सीधा जो खरीदा उस पे हाफ रेट हो जाएगा, 50% डेप्रिसिएशन अलाउंस, और एडिशनल डेप्रिसिएशन या नहीं मिलेगा। फॉर्मेट हमेशा मेंटेन करना है, ओपनिंग WDV एड एडिशन लेस सब्ट्रैक्शन, जो क्लोजिंग आएगा इसमें हाफ रेट खोजो, बाकी पे फुल रेट। सिंपल फंड है, इसमें यही किया अपन, 58 लाख में हाफ रेट वाला 8 लाख, 8 लाख पे 7.5, बाकी फुल रेट। ठीक है,
चलिए तो इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके बाय बाय।